गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, 2 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ इसका क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप इसे आसानी से फ्यूचर के लिए याद रख पाएंगे। और आपको मैं ये बता दूँ कि विद इन 1 or 2 days झारखंड SSC CGL के लिए टेस्ट सीरीज, किसी तरह का शुल्क आपको नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा जो कि सेक्शन वाइज होगा और फुल टेस्ट के तौर पर भी लिया जाएगा। तो इसे कैसे देना है, किसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, ये जल्द ही आज या कल बता दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के खुदरा मछली विक्रेताओं को बाइक आइस बॉक्स और कटाई टूल्स खरीदने पर अब केंद्र सरकार के द्वारा 25% का अनुदान मिलेगा। इसके लिए मछली विक्रेताओं को 5 अगस्त तक जिला मत्स्य कार्यालय में मछली बिक्री करने का प्रमाण पहचान पत्र तथा फोटो जमा करना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली कारोबार को बढ़ावा देना और खुदरा विक्रेताओं को मछली के बाजार तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी को दूर करना। अभी भी कई ऐसे मछली विक्रेता हैं जिनके पास साधन की कमी है, इस कारण से वे मछली बेचने के लिए बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे विक्रेताओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। दो पहिया वाहन की 36,100 रुपये की खरीद पर 9,025, आइस बॉक्स की 4,000 रुपये की खरीदारी पर 1,000 तथा कटाई टूल्स की 2,400 रुपये की खरीदारी पर 600 रुपये का अनुदान मिलेगा। मैं आउटडोर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। सुबह सुबह का समय है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, खुला खुला मैदान है, मौसम काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि इससे डिस्टर्बेंस आपको नहीं हो रहा होगा। ये जो हवा चलने की आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ है, होना भी नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है, विशप वेस्टकॉट बॉयज़ स्कूल नामकुम रांची के विद्यार्थी रहे रणधीर जायसवाल न्यूयॉर्क के कौंसुलेट जनरल बने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर किसी स्टेट या फिर किसी दूसरे कंट्री में कोई भी आदमी अगर इम्पोर्टेंट पद पर जाता है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम करता है, लेकिन वो अगर झारखंड से बिलोंग करता है, तो वो झारखंड के एग्जामिनेशंस के लिए व्यक्ति विशेष के तौर पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। रणधीर का चयन 1998 में इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए हुआ था। उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई बिशप वेस्टकॉट स्कूल रांची से 1989 में पूरी की है। रणधीर पिछले 2 दशक से पुर्तगाल, क्यूबा, साउथ अफ्रीका में लगातार अपनी सेवा देने के बाद न्यूयॉर्क के कौंसुलेट जनरल बनाए गए हैं। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया में 4थी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन स्पोर्ट्स कप 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। झारखंड की ओर से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 29 योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है। रामगढ़ के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह को हजारीबाग के उपायुक्त का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। देखिए, ये सिलसिला अभी तक IAS और IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र, उनके पोस्ट का ट्रांसफ़र, ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन पहले था, कौन अभी बना है, और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, खासकर उस इम्पोर्टेंट पोस्ट पर कौन नए व्यक्ति को, किस नए ऑफिसर को बनाया गया है। सामाजिक, आर्थिक और संसदीय अध्ययन केंद्र ने झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ, ये क्या है देखिए इसे। सामाजिक, आर्थिक और संसदीय अध्ययन केंद्र ने झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ, कोरोना के बाद एक शोध परक लेखों की स्मारिका तैयार की है। इस पत्रिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। इस शोध परक लेख के सभी आलेख झारखंड के आम जीवन, जीविका, रोजगार, देशज हुनर से संबंधित है। रिम्स रांची के बाद अब जमशेदपुर के टाटा मेंस हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा डोनेट करने की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। मैंने आपको 2 दिन पहले के वीडियो में ये बताया था कि रिम्स रांची में प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की जा रही है। अब रांची रिम्स के अलावे रिम्स रांची के बाद अब जमशेदपुर के टाटा मेंस हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा डोनेट करने की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। झारखंड राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ किया गया था? रिम्स रांची में। ओके, तो ये था 2 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि झारखंड में जितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, झारखंड में क्या है ना
कि हर दिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बन पाता है। तो अगर किसी दिन करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। मैंने आपको पहले भी कहा है, हर बार मैं ये कहता हूँ कि किसी भी दिन के करंट अफेयर को मिस नहीं किया जाएगा। एक दो दिन बाद ही सही, लेकिन उसे अपलोड किया जाएगा। हो सकता है कि दो तीन दिन के करंट अफेयर को एक साथ एक वीडियो में उपलब्ध कराया जाए। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, उसे अलग से अलग वीडियो में बताया जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो के साथ। धन्यवाद।